गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव रे के बारे में कि पॉजिटिव रे जो होती है वो एनोड रेस कहलाती है। तो पॉजिटिव रेस जो होती है वो एनोड रे होती है और ड्यूरिंग दिस वर्किंग विथ इलेक्ट्रोड कैथोड रेस सर जे जे थॉम्सन नोटिस दैट अ कैथोड बट ऑन द साइड अपोजिट एनोड टू नो द रीजन फॉर द ग्लो ही डिजाइंड ए डिस्चार्ज ट्यूब विथ ए परफोरेटेड फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब ए शोन इन फिगर। अब उसने क्या किया, पहले हमने पढ़ा था कैथोड रे के बारे में, अब पॉजिटिव रे जिसको कि एनोड रे बोलते हैं, एनोड रेज मतलब कि पॉजिटिव रेज। अब हम पढ़ेंगे एनोड रेज के बारे में और ये रेज जो थी वो पॉजिटिव रेज थी। इसके बारे में इसका पता लगाने के लिए जे जे थॉम्सन ने क्या करा कि ही डिज़ाइंड ए डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब। उन्होंने एक छेद वाला, परफोरेटेड मतलब छेद वाला प्लेट लिया और उसको बीच में फिक्स कर दिया डिस्चार्ज ट्यूब के। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, डायग्राम में आप देखोगे कि बीच में जो है वो एक परफोरेटेड कैथोड है। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड अ ग्रीन फ्लोरेसेंस वॉज सीन इन द ग्लास ट्यूब एट वन एंड। जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक मतलब पास करा गया, पोटेंशियल पास किया गया तो ग्रीन फ्लोरेसेंस दिखाया गया। वाइल ऑन द अदर हैंड अ रेड ग्लो वॉज सीन, जबकि दूसरी तरफ एक लाल रंग का भी फ्लोरेसेंस दिखाया गया। एक ग्रीन फ्लोरेसेंस तो दिखाया, उसके साथ ही रेड ग्लो भी दिखा। द ग्रीन ग्लो कॉल्ड फ्लोरेसेंस वॉज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास बाय कैथोड रेज। ये जो था ग्रीन फ्लोरेसेंस कैथोड रे के कारण हुआ था। ऑब्वियसली द रेड ग्लो वॉज ड्यू टू द सम अदर टाइप ऑफ इमिशन। अब देखो, जब हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा, जब परफोरेटेडली जब वो ग्लास रोड ली थी ना उन्होंने, तो वो परफोरेटेड बीच में छेद वाला उन्होंने लिया, तो उन्होंने क्या देखा कि इस तरह की जो ग्लास ट्यूब ली उन्होंने और यहाँ से इन्होंने वैक्यूम पंप से इसको जोड़ के वैक्यूम से एयर सब बाहर निकाल दी। उसके बाद इसको जोड़ा इलेक्ट्रिक से, सेल से, बैटरी से। ये एनोड है, दो इसमें इलेक्ट्रोड लिए उन्होंने, एनोड और कैथोड। और ये कैथोड जो था, ये कैथोड जो था वो परफोरेटेड था, छेद वाला परफोरेटेड कैथोड लिया उन्होंने। कैथोड जो लिया परफोरेटेड लिया और एनोड लिया, उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो उन्होंने क्या देखा कि दो तरह के फ्लोरेसेंस दिखे। एक ग्रीन फ्लोरेसेंस था वो तो कैथोड रे के कारण था, लेकिन एक रेड ग्लो भी दिखा वो एक अलग तरह के कारण दिखा। हाउ आर द पॉजिटिव रे प्रोड्यूस, पॉजिटिव रेस कैसे प्रोड्यूस होती है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द कैथोड विथ वेरी हाई स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से बहुत दूर हाई स्पीड में चले जाते हैं। दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्प्लिट द गैस मॉलिक्यूल इन टू द एटम। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो गैस मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ देते हैं। एंड रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। नाउ दिस पॉजिटिव आयन पास थ्रू द होल इन द कैथोड प्लेट टू प्रोड्यूस ए ग्लो ऑन द ग्लास वॉल। तो अब क्या हुआ था, देखो कैथोड रे जो होती है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द कैथोड विथ वेरी हाई स्पीड। इस कैथोड से बहुत ही ज़्यादा तेज हाई स्पीड से, इस कैथोड से बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर से और दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्प्लिट द गैस मॉलिक्यूल इनटू एटम। जो अंदर गैस भरी होती है गैस ट्यूब में, उसको वो एटम में तोड़ देते हैं। फ्रॉम द एटम दस द एटम गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एटम जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। दीज पॉजिटिवली चार्ज आयन
पासेस थ्रू द होल इन द कैथोड, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन उस कैथोड के छेद में से निकलते हैं और प्रोड्यूस ए ग्लो ऑन द ग्लास ऑफ द डिस्चार्ज, और लाल रंग का ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पॉजिटिव रे और एनोड, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनोड कहलाते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रे की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पॉजिटिव रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। द नेचर ऑफ दिस रे डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें कौन सी गैस भरी है उसके आधार पर उसका नेचर डिपेंड होगा। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सीधी रेखा में चलती है। फिर दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा एंड बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगी। दस द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव रे इज इन डायरेक्शन अपोजिट दैट शोन बाय कैथोड रे। दीज रे ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगी। दीज रे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल इफेक्ट, ये रेस मैकेनिकल और केमिकल दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। द रेशो ऑफ चार्ज ई टू मास फॉर द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे इज नॉट द सेम फॉर ऑल गैस, हर एक गैस के लिए ई बाय एम का रेशो सेम नहीं होता है, ई बाय एम का रेशो सेम नहीं होता है। तो दिस शो दैट द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे आर हेवियर देन द पार्टिकल इन द कैथोड रे, इनके पार्टिकल हैवी होते हैं। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव रे के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोन के बारे में। हाउ वॉज द प्रोटोन डिस्कवर्ड, गोल्डस्टीन ने 1886 में देखा कि चार्ज टू मास ई एम रेशियो ऑफ पॉजिटिव रे पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब उन्होंने देखा कि ई बाय एम का रेशियो जो होता है वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी उसके ऊपर डिपेंड होता है। दैट इज ई एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रे ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट, द अलग अलग गैसों के लिए ई बाय एम का रेशो अलग अलग आएगा। द ई एम वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज वॉज हाइएस्ट वेन हाइड्रोजन गैस वॉज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी तो ई और एम का रेशो जो था वो हाइएस्ट आया। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट एटम ऑफ ऑल, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है सबसे हल्का होता है। दैट इज ई एम इज लोएस्ट, उसका ई अपॉन एम सबसे कम होगा, ई एम इज द हाइएस्ट, और इसी दैट इज का मास सबसे कम होगा। जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे हल्का एटम है इसलिए उसका मास सबसे कम होगा, मास कम होगा तो ई बाय एम सबसे ज़्यादा होगा। द पार्टिकल इन द पॉजिटिव रे व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब वाज गिवन द नेम प्रोटोन, जो पार्टिकल डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुए उसका नाम इन्होंने प्रोटोन रखा। जो पार्टिकल इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुए उसका नाम उन्होंने प्रोटोन रखा। तो इस तरह से हमने अभी प्रोटोन के बारे में पढ़ा। द पार्टिकल इन द प्रोटोन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, जो ये हाइड्रोजन एटम है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है माइनस इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन आयन बनता है। ठीक है, यहाँ से जब चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गया और H+ आयन का नाम है प्रोटोन। प्रोटोन इज ए हाइड्रोजन आयन, प्रोटोन जो है वो H+ आयन है, हाइड्रोजन प्लस आयन का नाम प्रोटोन रखा गया। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन के क्या गुण हैं। प्रोटोन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आर, प्रोटोन के जो गुण हैं, मास ऑफ प्रोटोन, दस मास ऑफ ए प्रोटोन इज इक्वल टू डेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो प्रोटोन का मास है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। इट्स मास इज अबाउट 1840 टाइम डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका मास इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होगा। मास ऑफ प्रोटोन इज 1.676 इंटू 10^-27 kg। चार्ज ऑन ए प्रोटोन कैरीज चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन दैट ऑफ कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दस प्रोटोन हैज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन ए प्रोटोन इज 1.602 into 10^19 कूलम होता है।
तो अभी हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। अब इन एडिशनल टू बी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज अ कंस्टिट्यूट ऑफ एटम, द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रे फ्रॉम द एटम ऑफ सर्टन एलिमेंट इज ऑल्सो प्रूव दैट एटम वॉज डिवाइजेबल। इससे ये पता लग गया कि एटम जो है डिवाइजेबल है। अब रदरफोर्ड ने हाउ वॉज द न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड, अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। इन 1920 में रदरफोर्ड फाउंड दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम द एटॉमिक मास ऑफ द अदर मॉलिक्यूल कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उन्होंने कहा कि जो एटम का मास है, एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम के जो एटॉमिक मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर हम नहीं बता पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम कंटेन टू प्रोटॉन, एज ए रिजल्ट द एटोमिक मास ऑफ हीलियम शुड बी डबल दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फ्रॉम ई बाय एम वैल्यू इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मास ऑफ हीलियम एटम टू बी प्रेसाइस दैट ऑफ द हीलियम आयन इज फोर टाइम द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से सुनो, अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इसके आधार पर हम एटम का मास पता लगा लेंगे, एटॉमिक मास, लेकिन ये थ्योरी जो थी वो अदर एटम के लिए नहीं हो पाई, क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम एटम जो था उसका मास हाइड्रोजन से डबल था, तो उसका जो